रोल। डीटीवी भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, मैं हूं उत्कर्ष कुमार। बीते दिन राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आपको बता दें कि दिवंगत जो है रामविलास पासवान जी, उनकी पुण्यतिथि मनाई गई थी, जिसमें बिहार के तमाम बड़े नेता मौजूद थे। सूबे के मुख्यमंत्री हो या सूबे के राज्यपाल हो, तमाम बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव नहीं आए, शिरकत करने नहीं आए। बीते दिन उन्होंने विधायक दल की बैठक भी बुलाई, लेकिन यहाँ शिरकत करने नहीं आए। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं श्रवण अग्रवाल। सर, कल तेजस्वी यादव नहीं मौजूद हुए, क्या पूछना है? देखिए, कल हमारे पूज्य नेता, सरदय जन जन के नेता रामविलास पासवान जी की पहली पुण्यतिथि थी, और कल संजोग देखिए, आपको एक किस्सा सुनाता हूँ बड़ा। जब पहली बार रामविलास पासवान जी 1977 में हाजीपुर चुनाव लड़ने गए, तो हाजीपुर जब चुनाव लड़ने गए तो लोकसभा का जो सिंबल होता है, टिकट होता है, वह मिल गया सतेंद्र बाबू को, सतेंद्र नारायण सिंह को। तो जेपी ने कहा, जेपी चाहते थे कि चुनाव पूज्य नेता हमारे रामविलास पासवान जी लड़े, और जेपी ने कहा कि रामविलास पासवान जी ही हमारा उम्मीदवार होगी। अब बाद में जेपी को पता चला कि सतेंद्र बाबू को टिकट मिल गया, तो जेपी ने कहा, जेपी ने सभा किया, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने कहा कि मैं नहीं जानता कि टिकट सिंबल किसको मिला है, मेरा उम्मीदवार रामविलास पासवान है। और आदरणीय पूज्य नेता हमारे रामविलास पासवान 77 के चुनाव में पहली बार 4.5 लाख वोटों से जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक में नाम रिकॉर्ड दर्ज कराए। और संजोग देखिए, बता देना चाहता हूँ संजोग, कल आदरणीय पूज्य नेता रामविलास पासवान जी की भी पहली पुण्यतिथि थी, और लोक नायक जयप्रकाश नारायण की भी कल ही पुण्यतिथि थी। तो कल सारे बिहार से हमने दावा किया था कि 50,000 से ज़्यादा लोग कल पूरे बिहार से, सूबे बिहार से 50,000 से ज़्यादा दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित और स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को चाहने वाले, उनको मानने वाले, उनके अनुयायी और उनके प्रशंसक पहली पुण्यतिथि में आएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। कल आपने देखा भी होगा कि पटना में जन सैलाब उमड़ पड़ा स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को याद करने के लिए, उनको नमन करने के लिए, और ये पूरे लोजपा कार्यालय से लेकर 5-10 किलोमीटर तक पांव धरने का जगह नहीं था। लोग, लगता था कि वह रोड पे से किसी को कोई व्यक्ति धक्का मार दे तो वह वहीं से यहाँ सीधे अंदर पहुँच जाएगा, पैसा जन समुद्र था। और सभी दल के नेता आए, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए, महामहिम राज्यपाल फागू चौहान जी आए, आदरणीय जीतन राम मांझी जी आए, बिहार सरकार के सारे करीब करीब कैबिनेट मंत्री आए, सारे करीब करीब बिहार के सांसद आए, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल के यहाँ के कार्यक्रम से दूरी बनाए रखा, और बगल में उनका 200 मीटर के दूरी पर आवास है, वहाँ दिन भर वो बैठे रहे, और वहाँ फिर उन्होंने विधायक दल की बैठक भी की। और जान लीजिए, कल एक छोटी सी तस्वीर लगा के उन्होंने हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ये लोग कल जो तेजस्वी ने किया या चिराग ने जो दिल्ली में किया, ये हमारे पूज्य नेता रामविलास पासवान के नाम पर फोटो लगा के राजनीति का रोटी सेक रहे थे, अपना राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कर रहे थे। देखिए क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे और नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छिपी रहे। श्रवण जी, एक सवाल है कि कल चिराग पासवान ने पुण्यतिथि मनाई, तमाम बड़े नेता वहां पहुंचे दिल्ली में, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, चाहे राजनाथ सिंह हो, एनडीए के भी बड़े नेता मौजूद रहे, तो क्या कह सकते हैं, कहीं चिराग पासवान कुछ नई रणनीति तो नहीं बना रहे? देखिए, हमारा जो कार्यक्रम था कल का, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी अपने बड़े भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम रूपी राम विलास पासवान जी का, और कल जो देखने को मिला, पुण्यतिथि नहीं लग रहा था, बाबा राम विलास पासवान का मेला लग रहा था। और जो कल पुण्यतिथि था, तो यह
नेताओं को कोई सियासत के लिए हम लोगों ने सियासी रोटी सेकने के लिए नहीं किया था। हमने जो रामविलास पासवान के लाखों हजारों अनुयायी प्रशंसक थे और सच्चे दिल से अपने राम को, अपने रामविलास पासवान को लोग याद करने के लिए यहाँ आए थे। तो जिनको सियासत करना है वह, और जिनको जो कहते थे कि हमारे, हम नरेंद्र मोदी जी के हनुमान हैं, हमारे दिल में नरेंद्र मोदी जी बसते हैं, छाती चीर के दिखलाऊं तो नरेंद्र मोदी जी दिखेंगे, वो लोग कल दिख गया कि वो मोदी जी के हनुमान नहीं थे, वह राहुल गांधी जो उनके पड़ोसी हैं, जो पड़ोस में एक ही दीवाल है उनका, वो महागठबंधन के हनुमान थे, राहुल गांधी के हनुमान थे। और बिहार में महागठबंधन से मिलकर एक राम, एक हनुमान थे, आप सुन लीजिए, एक हनुमान थे जिन्होंने अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के कहने पर रावण की लंका को जलाया था। और ये एक मॉडर्न हनुमान आज पैदा हुए हैं, फेसबुकिया हनुमान, जो अपने पूछ से आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अयोध्या में, बिहार में आके अपने पूछ से आग लगा रहे थे। कुछ हद तक वे सफल भी हुए, लेकिन बिहार की जनता अब जान चुकी है कि वे किनके हनुमान थे। और कल वह जो पप्पू पास हो गया, लोग बोलते हैं राहुल गांधी, हम तो नहीं बोलते ऐसी बातों का, हम लोग प्रयोग नहीं करते। तो वो जो ये दोनों राजनीति के पप्पू हैं और दोनों अनुभवहीन हैं, कोई गंभीरता नहीं। तेजस्वी यादव को तो बुलाया था चिराग ने, कृष्णापुरी 12 सितंबर को बरखी किया था, लग रहा था जिस तरह सब मिल के फोटो देख लीजिए, ठहाका लगा रहा था, लग रहा था कि बरखी नहीं पुण्यतिथि मना रहा हो या चिराग अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा हो। तो ये लोग जितने भी लोग हैं चिराग के इर्द गिर्द, चिराग के जितने भी रणनीतिकार हैं, चिराग जितने भी चाटुकार और जितने भी ये पाखंडी धूर्त किस्म के लोग से वो घिरे हुए हैं, सारे के सारे ये आरक्षण विरोधी लोग हैं, उनके सारे के सारे ये मंडल विरोधी हैं, मंडल कमीशन विरोधी हैं, ये अंबेडकरवादी नहीं, ये अंबेडकर के सिद्धांत के विरोधी हैं, ये दलितों पिछड़ों का हक छीनना चाहते हैं, ये दलितों शोषितों वंचितों का हक चुराना चाहते हैं, ये लोजपा को बर्बाद करना चाहते थे, ये बंगला के नींव पर जो आदरणीय हमारे रामविलास पासवान ने, लाखों देश के कार्यकर्ताओं ने, दलित सेना के कार्यकर्ताओं ने जो नींव पे इमारत खड़ा किया था, उस इमारत को गिराना चाहते थे। तो हमने इस षड्यंत्र को, इस खड्यंत्र को हमारे सांसदों ने, हमारे पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा था, इस पार्टी को बनाया था, इस पार्टी को सजाया था, ऐसे मंसूबों को हमने, उनके गलत और मंसूबों को, नापाक मंसूबों को रोकने का काम किया। साफ तौर पर आपने सुना कि श्रवण अग्रवाल का कहना है कि बिहार में तो उन्होंने काफी अच्छे तरीके से पुण्यतिथि मनाई है जिसमें तमाम बड़े नेता पहुंचे, लेकिन जब जिस तरीके से चिराग पासवान द्वारा 12 जनपद पर मनाया गया है पुण्यतिथि, उसमें नेताओं का जमावड़ा था, वो कोई राजनीति, ये कह लें कि राजनीति करने के लिए पहुंचे थे, और राम के अपने आप को हनुमान कह रहे थे, वो हनुमान जो है वो केवल और केवल राहुल गांधी के। कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं उत्कर्ष, टीवी भारत।